हेलो एवरीवन सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टाफिंग सो so, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं स्टाफिंग में भी डिफाइंड एज इम्प्लीमेंटिंग प्लानिंग प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एट डिफरेंट ग्रेड्स इन एन इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट वेरियस कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ एंड फुलफ़िल द गोल ऑफ मैनेजमेंट इसका मतलब ये है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हम लोग को स्टाफ मेम्बर्स चाहिए होते हैं फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में हम स्टाफ नर्सेज वहाँ पर काम करते हैं तो फिर स्टाफिंग का मतलब यही है कि उनको सिलेक्ट करना हमारे स्टाफ को और सिर्फ सिलेक्ट करना ही स्टाफिंग नहीं होती है उनका प्लेसमेंट करना डिप्लॉयमेंट करना उनको ओरिएंटेशन करवाना उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करना उनका प्रमोशन करना ये सारी चीज़ें स्टाफिंग में आती है अब ये सब हम क्यों करते हैं ताकि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो चीज़ स्ट्रॉग हो जाए जिससे जो हमारे इंस्टीट्यूशनल फंक्शंस है वो बहुत स्मूथली रन करेंगे और हमारे जो गोल हैं उनको हम जल्दी अटेन कर लेंगे उसके बाद हम देखते हैं मिशन क्या है स्टाफिंग का तो ये है कि टू इंश्योर मैक्स यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका मैक्स टू मैक्स हम यूटिलाइजेशन कर पाएँ टू डिस्कवर एंड ऑप्टेन कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स अब अगर हम स्टाफिंग करते हैं तो उसके अंदर चीज़ें आती है जैसे कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इनमें हम क्या करते हैं कि हम ऐसे स्टाफ को चुनते हैं जो कि कॉम्पिटेंट हैं जो कि कैपेबल हैं फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग में हम ऐसे कैंडिडेट्स uh, में से ऐसी नर्सेस को चुनेंगे जो कि कॉम्पिटेंट होंगी केयर देने के लिए ठीक है जो अच्छे से केयर दे पाएंगी फिर है टू इंश्योर दी कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ़ द एंटरप्राइज थ्रू एडिक्वेट स्टाफिंग अब हमारा स्टाफ अच्छा होगा तो हमारा जो आउटकम है वो भी अच्छा आएगा क्योंकि वो काम अच्छे से करेंगे फिर है टू इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ़ द इम्प्लॉयज थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट अब हमें उनका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट भी करते रहना है इससे क्या होगा उनको पता चलेगा कि हाँ वो कैसा काम कर रहे हैं अगर वो मतलब अच्छा कर रहे होंगे क्योंकि हम सिलेक्टिव पहली बात तो स्टाफ ऐसा करेंगे जो कि कैपेबल हो और उसके हिसाब से फिर उन्हें मोटिवेशन मिलता रहेगा और पॉजिटिव री मिलता रहेगा उनका मॉरल बूस्ट होता रहेगा फिर टू बी एबल टू मीट क्राइसिस एमरजेंसी सिचुएशन और कभी कभार क्या होती है एमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है एकदम से कोई रोड एक्सीडेंट वाला पेशेंट आ गया वहाँ पे मगर स्टाफ नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी इसलिए तो स्टाफिंग बहुत जरूरी है फिर टू डिलीवर गुड क्वालिटी ऑफ केयर एंड अटेन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड पेशेंट सेटिस्फैक्शन अब स्टाफ अच्छा होगा तो ऑबियसली बात है केयर अच्छी मिलेगी तो पेशेंट का सेटिसफेक्शन लेवल भी ज़्यादा होगा अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टाफिंग तो क्या होंगे हम खुद भी सोच सकते हैं बहुत सिंपल है टू रिक्रूट एडिकेट नंबर ऑफ ह्यूमन पावर रिसोर्सेज टू अटेन दी गोल ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास इनफ ह्यूमन पावर हो इनफ ह्यूमन हो स्टाफ हो ताकि हम लोग अपना जो मैनेजेरियल फंक्शन है वो चला सके अपने गोल को अटेन कर पाएँ टू कैरी आउट मैनेजेरियल फंक्शंस टू रिक्रूट कॉम्पिटेंट स्टाफ हमारा जो स्टाफ है वो कॉम्पिटेंट हो मतलब ऐसे लोग ना हो कि जो काम के ही नहीं है टू रिटेन राइट नंबर ऑफ स्टाफ एंड यूटिलाइज देयर एबिलिटी अब हमें बहुत ज़्यादा ओवर लोडिंग भी नहीं चाहिए है ना मिनिमम स्टाफ होने चाहिए और मतलब मिनिमम का मतलब इनफ होने चाहिए ठीक है और सारे के सारे काम के होने चाहिए जिनका हम अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाए नेक्स्ट है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है इससे उनकी नॉलेज बूस्टअप होती है उनकी क्लिनिकल स्किल्स बढ़ जाती हैं टू इंश्योर एडिक्ड स्टाफिंग बस हम देखते हैं फिलोसफी ऑफ स्टाफिंग तो फिलॉसफी ये कहती है स्टाफिंग की द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द स्टाफ कैन एडिक्वेटली फुलफिल द नीड ऑफ द पेशेंट एंड देयर बाय इंश्योर वो जॉब सेटिसफैक्शन एंड क्वालिटी केयर मतलब सेम वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि अगर हमारा स्टाफ अच्छा होगा तो पेशेंट को भी सैटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि उसकी केयर अच्छी होगी साथ में जो हमारा स्टाफ है उसको भी सैटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि वो अच्छे से केयर दे पा रहे हैं वो इतने कैपेबल हैं ठीक है उनकी अपग्रेडिंग हो रही है फिर ओनली प्रोफेशनली ट्रेन नर्सेज कैन गिव हाई क्वालिटी केयर और उसके नीचे दे कैन

all sorts of nursing related plans example master rotation plan rosters etc should be done by head nurses jo hamari head nurses hai unko kya karna hota hai उनको, उनको हमारे जो master rotation plans होते हैं या फिर operational plans होते हैं इनको हम रोस्टर भी कह सकते हैं ये उन्हें बनाना होता है जो भी हमें असाइन किया जाता है ना कि जैसे हम स्टूडेंट नर्सेस हमें बोला जाता है आज आपकी एमरजेंसी ओपीडी में ड्यूटी है मतलब इस पूरा वीक फिर अगले वीक आपकी चेंज हो जाएगी पीआईसीयू में लग जाएगी तो वही चीज़ रोस्टर होती है ना तो ये हेड नर्सेस को बनाना होता है अब हम देखते हैं स्टाफिंग प्रोसेस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहला स्टेप होता है वर्क प्लानिंग अब ये वर्क कौन है जो हमारा स्टाफ है वही हमारे वर्क है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सपोज़ कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे कोई यूनिट है जैसे कि क्रिटिकल केयर यूनिट है तो हमें ये देखना होगा कि हमें स्टाफ कितने चाहिए अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कितने पेशेंट वहाँ पे आ रहे हैं कितनी फ्रीक्वेंसी है एस आई यू नॉम्स के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं एस आई यू नॉम्स क्या होते हैं स्टाफिंग इंस्पेक्शन यूनिट नॉर्म्स ये मतलब ऐसे नॉर्म्स हैं जो कि बताते हैं कि किस यूनिट में किस वार्ड में कितने पेशेंट वर्सेस जो हमारा नर्स का रेशियो है वो होना चाहिए ठीक है तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कितना स्टाफ नीडेड है कितनी वर्क फोर्स नीडेड है तो पहला स्टेप तो ये हो गया सेकेंड स्टेप है कि जॉब एनालिसिस अब अगर हम आ, लोगों में मतलब ये बता रहे हैं कि हाँ यहाँ पे कोई जॉब है आप लोग अप्लाई कर सकते हो वैकेंसीज खाली है, आप लोग आ सकते हो तो फिर उसके लिए हमें पहले खुद जॉब का एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो जॉब किस टाइप की है हम लोग वहाँ पे कैसे स्किल्स वाले लोग चाहते हैं कितने लोग चाहते हैं जॉब में क्या क्या करना होगा ठीक है ये सब एनालाइज करके तभी हम जॉब का डिस्क्रिप्शन दे पाएंगे उन लोगों को कि ये जॉब है कैसी उसके बाद हम करेंगे रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि जब हमने ये प्रेजेंट कर दी कि इतनी वैकेंसीज खाली हैं जॉब ऐसी ऐसी है उसके बाद हम लोगों को बुलाएंगे कि हाँ मतलब किसी भी मैथड्स हम बुला सकते हैं एडवर्टीजमेंट वगैरह है, जैसे भी हम बुला रहे हैं उसके बाद हमारे पास क्या होगा एक पूल ऑफ कैंडिडेट जमा हो जाएंगे जिन लोगों में से हम लोग करेंगे सिलेक्शन तो यही था रिक्रूटमेंट एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स को जमा करना एक पर्टिकुलर मतलब जॉब के लिए जिसके लिए हम चाह रहे हैं फिर है सिलेक्शन सिलेक्शन का मतलब ये है कि जो मोस्ट कैपेबल या फिर काम के लोग होंगे ना उनको उसमें से छाँटना यही सिलेक्शन है मतलब हमें राइट right प्लेस में राइट right पीपल चाहिए ऐसे लोग चाहिए जो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ मैच कर पाए और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल गोल है वो अचीव करने में हेल्प कर पाए ठीक है उसके बाद है प्लेसमेंट अब जब हम ये सिलेक्ट कर लेंगे उसके हिसाब से उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके स्किल्स के हिसाब से हम लोग उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या फिर अलग अलग जैसे यूनिट्स में हम उनको प्लेस कर देंगे फिर है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन अब हम उनको सब कुछ बताएंगे कि इस जॉब में इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या पॉलिसीज़ हैं क्या प्रोग्राम्स हैं कैसा ड्रेस कोड है उनको ओरिएंटेशन करवाएंगे उनको ये बताएंगे कि लीव का सीन कैसा रहता है यहाँ पे कितनी लीव्स आप ले, ले सकते हो ओरिएंटेशन में हम उनको जैसे कि नर्सेस का अगर हम लोग सिलेक्शन करते हैं तो फिर हमको दिखाते हैं सिलेक्शन होने के बाद कि हाँ यहाँ पे ये वार्ड है यहाँ पे ये यूनिट है पूरा हॉस्पिटल का ओरिएंटेशन करवाते हैं नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा रिम्यूनरेशन रिम्यूनिशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनको मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देते रहना मतलब वेजेस देते रहना उनको पैसे देते रहना कहने का मतलब ये है और उनको आ, मतलब मोटिवेट करते रहना ये सारी चीज़ें रिम्यूनरेशन में आती हैं फिर है परफॉर्मेंस अप्रीजल अब वो जैसे भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना उसके हिसाब से हमें उन्हें फीडबैक देना है अगर वो अच्छी कर रहे हैं तो हमें उनको प्रेज करना है ठीक है पॉजिटिव री देना है और कहीं पर भी कमी आ रही है तो हमें उनको बताना है कि ये चीज़ क्या कैसे होगी क्या उनको ठीक करना चाहिए लास्ट स्टेप है प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र अब वो स्टाफ जो जैसे आया है वो हमेशा वहीं पे तो नहीं रहेगा ना एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके स्किल्स के हिसाब से अपग्रेडेशन होता रहेगा तो यही सारे थे हमारे स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग अब आती है एक्टिविटीज़ ऑफ स्टाफिंग ये कुछ भी नहीं है जो हमने प्रोसेस में सारे स्टेप्स पढ़े ना सेम वही चीज़ है एक्टिविटीज़ और क्या ही होंगी स्टाफिंग में यही होगा मैन पावर प्लानिंग मतलब हमें ये प्लान करना है हमें कितना स्टाफ कितने वर्कर्स नीडेड है उसी को मैन पावर प्लानिंग कहते हैं अभी हम कैसे वो कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से कि अगर अभी ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं या फिर ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं तो उस हिसाब से हम स्टाफ को बढ़ाएंगे या फिर ओवरलोड हो रहा है तो हम कम भी कर सकते हैं जो फालतू के स्टाफ हैं बिना काम के ठीक है और जैसे हम हॉस्पिटल में वो एस आई यू नॉम्स के थ्रू देखते हैं स्टाफिंग इंस्पेक्शन यूनिट के थ्रू ठीक है उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट जो कि अभी हमने पढ़ लिया रिक्रूटमेंट एक बड़ा चैप्टर है उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे जैसे उसके बहुत सारे सोसेस होते हैं हम कैसे कैसे लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं ट्रांसफ़र के थ्रू प्रमोशन के थ्रू एडवर्टीज़मेंट के थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन रिक्रूटमेंट ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत चीज़ें होती हैं रिक्रूटमेंट की प्रोसेस भी होती है फिर है सिलेक्शन सिलेक्शन में भी काफ़ी चीज़ें हैं वो हम एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बाद हम मेन चीज़ देखते हैं कि हाँ तो ये सारी थी हमारी एक्टिविटीज़ इसमें प्लेसमेंट भी आता है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन भी आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी आता है रिमिनरेशन भी आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल भी मतलब तो जो जो चीज़ें हमने प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में पढ़ी है सेम वही चीज़ें एक्टिविटीज़ में सब यही आता है अब हम देखते हैं स्टाफिंग नॉम्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टाफिंग नॉम्स है वो कुछ भी नहीं है स्टाफिंग नॉर्म्स बस स्टैंडर्ड्स है कुछ फॉर एस्टिमेटिंग दी रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग मैन पावर ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स है जो हमें ये बताते हैं कि कितनी मैन पावर नीडेड है कितना स्टाफ चाहिए हॉस्पिटल में बस ये नॉर्म्स हमें ये बताते हैं तो कुछ कमिटीज़ हैं जो कि बताएंगी कि कितने हमें स्टाफ चाहिए हमारे हॉस्पिटल में तो जैसे कि आई बता सकता है हमें हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी बता सकती है हमें ये चीज़ सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ मीटिंग बता सकती है हमें ये चीज़ ठीक है पर हम जनरली हॉस्पिटल में कौन सा फॉलो करते हैं स्टाफिंग इंस्पेक्शन यूनिट नॉर्म्स एस नॉर्म्स ठीक है तो ये हमें क्या बता रहे हैं सिंपली नर्स पेशेंट रेशियो बताते हैं इसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना स्टाफ चाहिए तो नॉर्मल वार्ड में कितना चाहिए होता है वन रेशियो सिक्स मतलब सिक्स बेड पे हमें वन नर्स चाहिए छः पेशेंट के साथ वन नर्स स्पेशल वार्ड जो होते हैं जैसे कि न्यूरो सर्जरी या फिर बर्न या फिर कार्डिक या फिर पीडियाट्रिक वार्ड ये सब यहाँ पे कितना चाहिए होता है वन रेशियो फोर फोर मतलब फ़ोर बेड पे वन नर्स फिर है नर्सरी नर्सरी में हमें वन रेशियो टू वन नर्स फॉर टू बेड फिर ओ पे मेज़र का अलग है माइनर का अलग है मेज़र के लिए हमें टू रेशियो वन चाहिए होती है मतलब एक तो हमारी ओ टेबल हो गई वहाँ पर इंक्लूडिंग जो रिकवरी रूम है उसको मिला के हमें दो नर्सेज चाहिए एक मेज़र ओ में माइनर ओ में हमारा वन रेशियो वन होता है उसके बाद है लेबर रूम लेबर रूम में हमें वन रेशियो वन चाहिए कैजवलिटी में जो हमारी एमरजेंसी ओ होती हैं जैसे कि बर्न औरथोपैडिक्स इन सब में हमें क्या चाहिए थ्री नर्स फॉर ट्वेंटी फ़ोर आवर्स मतलब एक नर्स हो गई फिर पर शिफ्ट अगर थ्री नर्स है फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स उसके बाद है ओ जैसे कि इंजेक्शन रूम्स हो गए वहाँ पे वन नर्स अप टू हंड्रेड पेशेंट ठीक है उसके बाद होता है कि ये तो इन्होंने बता दिया नर्स पेशेंट रेशियो उसके बाद हमें चाहिए होती है एक नर्सिंग सिस्टर फॉर थ्री टू सिक्स स्टाफ नर्स ठीक है उनको हेड करेंगी वो एक एन एस चाहिए होता हमें, होती है हमें फ़ॉर फोर टू फाइव नर्सिंग सिस्टर्स एक डी एन एस चाहिए होती है हमें फ़ॉर सेवन टू फाइव ए एन एस एक नर्सिंग सुपरिनटेंडेंट चाहिए होता है हमें फ़ॉर टू फिफ़्टी टू फाइव हंड्रेड बैड्स एंड वन सी एन ओ फॉर फाइव हंड्रेड और मोर बेड्स अब ये सब याद करना पड़ेगा इसमें कोई भी समझने वाला नहीं है अब स्टाफिंग चैप्टर में हमारे सिर्फ दो चीज़ें बचती हैं पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम और शेड्यूलिंग तो ये हम अगले सेपरेट वीडियोज़ में देखेंगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे ओके बाय